फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज मैं आपको मीठी लस्सी और छाछ बनाना सिखा रही हूँ। मेरी वीडियो देखने के बाद इसको लाइक और शेयर जरूर करें। हमें मीठी लस्सी के लिए क्या क्या चाहिए पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगी। ये है कर्ड, इसका मैंने पानी निकाला हुआ है। ये शुगर पाउडर और ये दूध के ऊपर से मलाई निकाली हुई है, प्लस ये गुलाब एसेंस है। अब मैं आपको बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले 1 स्पून मैं शुगर पाउडर डालूंगी, उसके बाद इसमें मैं कर्ड डालूंगी। कर्ड डालने के बाद मैं इसको ग्राइंड करके इसका घोल अच्छे से तैयार कर लूंगी। लस्सी रेडी है, मैं इसको सोरे में सर्व करने जा रही हूँ। इसमें हम ये डालने के बाद जो घर की मलाई बनी हुई है और थोड़ा सा हम गुलाब एसेंस भी डालेंगे इसमें। उसके बाद घर की बनी हुई मलाई डाल के इसको पहले मिक्स करेंगे, फिर ऊपर से खूब सारी डाल के इसको फ्रीजर में लगा देंगे। ये ठंडी ठंडी पीने में बहुत ही अच्छी लगेगी, राइट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं छाछ बनाना। छाछ बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए पहले तो मैं आपको वो बताती हूँ। अब हम छाछ बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं पुदीने की पत्तियां डालूंगी, धनिया और पुदीना दोनों की पत्तियां डाल के दही को फेंटा हुआ है लस्सी डाली और थोड़ा सा दही डाला। अब इसके अंदर ब्लैक पेपर डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे एंड थोड़ा सा हम ये धनिया पाउडर है, धनिया को मैंने भून के उसका पेस्ट बनाया हुआ। ये मैंने जीरा पाउडर डाला, उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाला, अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हो। छाछ है गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी है, जैसे आजकल गर्मी चल रही है तो उसको पियेंगे हमें गर्मी नहीं लगेगी। आप चाहे इसको छान भी सकते हो, लेकिन इसका जो पुदीना और धनिया का फ्लेवर है ऐसे पत्तियां बीच में हल्की हल्की आती रहे तो अच्छी लगती है। तो ऊपर से थोड़ी सी हम इसमें मलाई डाल के इसको भी मिक्स करके ये हम पी सकते हैं। ये हमारी रही मीठी लस्सी और ये रही छाछ। इसको आप जरूर ट्राई करिए और बनाइए, देखिए पीके बहुत ही टेस्टी है। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।